Hello doctors, we are going to start a very beautiful series of neoplasia, which is equally important for both academic and competitive purpose. We will start from very basic and will try to mark the level of NEET PG. So if you have any doubt, please drop in the comment section. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि neoplasia क्या होता है. तो neoplasia का मतलब होता है न्यू ग्रोथ, और ये जो न्यू ग्रोथ हुई है ये बेसिकली एबनॉर्मल टाइप की न्यू ग्रोथ है. कैसी है? एबनॉर्मल टाइप की न्यू ग्रोथ है जो किसी ट्यूमर का फॉर्मेशन करती है, और ट्यूमर को ही हम दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं? न्यूप्लाज्म कहते हैं. क्या कहते हैं? न्यूप्लाज्म कहते हैं. तो न्यूप्लेसिया का मतलब है एक न्यू ग्रोथ, और ये न्यू ग्रोथ जो है वो किस टाइप की है? एबनॉर्मल टाइप की है जो किसी ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म का फॉर्मेशन करती है. इसको एक एग्जाम्पल से समझिए. ये आपका कोई टिश्यू है और ये टिश्यू में सेल्स है. अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर किसी सेल में म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो सेल है ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से अब इसकी जो प्रोजेनी सेल्स बनेंगी वो भी म्यूटेटेड होंगी, जिसकी वजह से इनके अंदर भी क्या होगा? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होगा, और उसकी वजह से इस पर्टिकुलर प्लेस पे क्या होगा? एक ट्यूमर का फॉर्मेशन होने लगेगा. अनकंट्रोल्ड सेल जो होंगी, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से सेल्स का फॉर्मेशन होगा, और ये सेल्स जो होंगी क्या बनाएंगी? यहां पर एक ट्यूमर का फॉर्मेशन करेंगी. तो यहां पर एक ट्यूमर या फिर न्यूप्लाज्म का फॉर्मेशन होगा. अब जो ये न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, ये जो आपको न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये किसकी वजह से मिल रही है? ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन. जो ये अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ हुई है, अब ये दो तरह की हो सकती है. इट मे बी बिनाइन और इट मे बी मैलिग्नेंट. कहने का मतलब ये है, अगर ये ट्यूमर या तो ऐसा हो सकता है कि यहीं पर लोकलाइज रहे. क्या रहे? लोकलाइज रहे, इसी जगह पर रहे, कहीं दूसरी जगह पर जाके ना फैले. तो अगर लोकलाइज्ड टाइप का ट्यूमर है तो उसको हम बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बिनाइन ट्यूमर. तो बिनाइन ट्यूमर कौन सा होगा? जो लोकलाइज्ड होगा. कैसा होगा? लोकलाइज्ड होगा. लेकिन अगर ये ट्यूमर दूसरी जगह जाके फैलता है और बॉडी पार्ट्स में और बॉडी के टिश्यूज में जाके स्प्रेड आउट होता है, तो ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे. क्या बोलेंगे? मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलेंगे. तो अगर ये ट्यूमर अपने सराउंडिंग के एरियाज में, सराउंडिंग के टिश्यूज में जाके स्प्रेड आउट होता है, तो ऐसे ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको फोकस करनी है वो ये है, डिफरेंस बिटवीन ट्यूमर एंड कैंसर. तो ट्यूमर दोनों तरह के हो सकते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, यानी कि जो लोकलाइज रहते हैं और जो दूसरी जगह जाके फैलते हैं. लेकिन कैंसर, कैंसर सिर्फ उन्हीं ट्यूमर्स को कहा जाता है जो दूसरी जगह जाके फैलते हैं, यानी कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वही कैंसर कहलाते हैं. जो एक जगह रहते हैं, जो दूसरी जगह जाके नहीं फैलते, उन ट्यूमर्स को आप कैंसर नहीं कहते. यानी कि सारे ट्यूमर्स कैंसर नहीं होते हैं, सिर्फ वो ट्यूमर्स जो दूसरी जगह जाके फैलते हैं उन्हीं को हम कैंसर बोलते हैं. यानी कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स को ही हम बस कैंसर बोलते हैं. जो कैंसर है ये सेकेंड मोस्ट लीडिंग कॉज है डेथ का ऑल ओवर द वर्ल्ड आफ्टर कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस. आपको पता है कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस फर्स्ट मोस्ट लीडिंग कॉज है डेथ का. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑन्कोलॉजी. तो ऑन्कोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ट्यूमर और न्यूप्लाज्म. तो मैंने आपको बताया था कि ट्यूमर और न्यूप्लाज्म सेम चीज है. मैं इस पूरी सीरीज में ट्यूमर वर्ड यूज करूंगा. तो स्टडी ऑफ ट्यूमर्स इज बेसिकली ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी वर्ड ग्रीक वर्ड ऑनकोस से लिया गया है. ऑनकोस का मतलब होता है ट्यूमर. अब हम बेसिकली समझेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूप्लेसिया. न्यूप्लेसिया बेसिकली क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे, बट हमने रॉबिन्स पैथोलॉजी की जो बुक है उसमें से हमने न्यूप्लेसिया की ये डेफिनेशन उठाई है, और वहां इसको एज अ मॉडर्न डेफिनेशन और मॉलिकुलर डेफिनेशन के नाम से दे रखा था. वहां कहते हैं कि न्यूप्लेसिया कैन बी डिफाइंड एज डिसऑर्डर ऑफ द सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन. यानी कि मान लीजिए कोई सेल है और इसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है, और म्यूटेशन होकर इसकी जो प्रोजेनी सेल्स बनती हैं, जो प्रोजेनी सेल्स बनती हैं वो भी कैसी होती हैं? म्यूटेटेड होती हैं. तो उनके अंदर भी क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, और इस अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? ट्यूमर सेल्स का एक मास देखने को मिलता है. ट्यूमर सेल्स का एक मास देखने को मिलता है. तो न्यूप्लेसिया कैन बी डिफाइंड एज डिसऑर्डर ऑफ द सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन विच इज ट्रिगर्ड बाई द एक्यूट म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल सेल एंड इट्स क्लोज्ड प्रोजेनी. तो किसी पर्टिकुलर सेल में म्यूटेशन हुआ, उसकी वजह से क्या हुई? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हुई, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? ट्यूमर सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ट्यूमर का फॉर्मेशन हुआ. अच्छा, अब एक बात आती है कि सर जो ये मास क्रिएट हुआ है ये एबनॉर्मल मास है? एबनॉर्मल मास है, और किसके द्वारा बनाया गया है? ट्यूमर सेल्स के द्वारा. तो ये ट्यूमर सेल्स के द्वारा बनाया हुआ एबनॉर्मल मास है. हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ भी होती है, नॉर्मल सेल डिवीजन भी होता है, तो उससे क्या बनता है? एक नॉर्मल बॉडी मास बनता है हमारा. नॉर्मल बॉडी मास भी क्रिएट होता है.
तो हमारे नॉर्मल बॉडी मास में और ये जो एबनॉर्मल मास है, ये ट्यूमर सेल्स वाला मास है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो इनमें डिफरेंस चार लेवल पर हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन लेवल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल। देखो, जब हमारे अंदर नॉर्मल ग्रोथ होती है या नॉर्मल सेल डिवीजन होता है, तो जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है? एज पर द रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमारी बॉडी में जब नॉर्मल ग्रोथ होती है तो वो एज पर द रिक्वायरमेंट होती है। जब रिक्वायरमेंट होती है तब स्पीड से होगी, रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो स्लो डाउन हो जाएगी या स्टॉप हो जाएगी। बट इन द केस ऑफ ट्यूमर द ग्रोथ विल बी रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड एंड अनरेगुलेटेड। तो एक तो ग्रोथ के लेवल पर डिफरेंस है, दूसरा डिफरेंशिएशन के लेवल पर डिफरेंस है। यानी कि जो हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ होती है तो क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं, और डिफरेंशिएट करके उनको कोई एक फंक्शन दे दिया जाता है जिसको हम डिवीजन ऑफ लीवर बोलते हैं। ऐसा कैंसर की सेल्स में देखने को नहीं मिलता। जब हमारी नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ होती है तो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होती है कि सेल्स हैं, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाएंगे, सबको एक एक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दे दिया जाएगा। बट एबनॉर्मल मास जो क्रिएट हो रहा है ट्यूमर सेल्स का, उनके अंदर ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो डिफरेंशिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिफरेंस है, थर्ड फंक्शन के लेवल पे डिफरेंस है। ये जो सेल्स जिस ऑर्गन या जिस टिश्यू के अंदर बन रही है, उस हो सकता है कि इनके अफेक्ट की वजह से वो जो ऑर्गन है वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रहा है प्रॉपरली, जबकि अगर वो नॉर्मल ग्रोथ होती तो वो ऑर्गन और अच्छे से फंक्शन परफॉर्म कर पाता। तो इन फोर लेवल्स पे एबनॉर्मल मास ऑफ द ट्यूमर सेल्स एंड द नॉर्मल बॉडी ग्रोथ मास में डिफरेंस होता है। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ट्यूमर, कि जो ट्यूमर बना होता है उसके अंदर होता क्या है, उस ट्यूमर का कंपोजिशन क्या है। तो बेसिकली कोई भी ट्यूमर हो उसके दो बेसिक कंपोनेंट होता है, एक तो ट्यूमर सेल्स जो उसका पैरेन्काइमा बनाती हैं ट्यूमर का। यानी कि ट्यूमर सेल्स कैसे बनेंगी या न्यूप्लास्टिक सेल्स कैसे बनेंगी, तो वही सिंपल बात, एक सेल थी इसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन हुआ तो उसकी वजह से इसका जो सेल डिवीजन था या सेल ग्रोथ थी वो अनरेगुलेटेड हो गई। तो इसकी वजह से क्या कर रही है, ये अनरेगुलेटेड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कर रही है। इससे जो प्रोजेनी सेल्स बन रही हैं वो भी कैसी हैं, म्यूटेटेड है। तो उनके अंदर भी क्या हो रहा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो रहा है जो कि अनरेगुलेटेड टाइप का है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्यूमर सेल्स बन रही हैं या न्यूप्लास्टिक सेल्स का क्या बन रहा है, एक मास बन रहा है। अब जब ये ट्यूमर सेल्स बन रही हैं तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो शांत तो बैठेगा नहीं, क्योंकि ट्यूमर सेल्स हमारे लिए हार्मफुल है, ये हमारा खाना पीना भी खा रही होंगी। तो इम्यून सिस्टम हमारा शांत नहीं बैठेगा, वो इनके अगेंस्ट अपना एक रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा, रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, और वो जो रेस्पॉन्स जनरेट किया जाता है वो जनरेट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टिव स्ट्रोमा और फाइब्रस स्ट्रोमा। हमें इन ट्यूमर सेल्स के आसपास रिएक्टिव स्ट्रोमा या फाइब्रस स्ट्रोमा देखने को मिलता है, एंड दिस रिएक्टिव स्ट्रोमा एंड फाइब्रस स्ट्रोमा इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड दिस फाइब्रस स्ट्रोमा और रिएक्टिव स्ट्रोमा इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड एज द रेस्पॉन्स ऑफ द होस्ट अगेंस्ट दिस ट्यूमर सेल्स। बात क्लियर आ गई? तो अब से ट्यूमर के अंदर दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एक तो न्यूरोप्लास्टिक सेल्स जो बेसिकली ट्यूमर सेल्स हैं जो किसी भी सेल के अंदर म्यूटेशन की वजह से जनरेट हुई है, दूसरा रिएक्टिव स्ट्रोमा और फाइब्रस स्ट्रोमा जो एज अ रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है, एज अ होस्ट रेस्पॉन्स जनरेट हुआ है अगेंस्ट दीज ट्यूमर सेल्स। थोड़ा और डिटेल में बात करें न्यूरोप्लास्टिक सेल्स और रिएक्टिव स्ट्रोमा के बारे में, तो जो न्यूरोप्लास्टिक सेल्स होती हैं वो बेसिकली चीफ कंपोनेंट होती है ट्यूमर का, वो बेसिकली ट्यूमर सेल्स होती हैं, उसका पैरेन्काइमल चीफ कंपोनेंट होती है। दूसरा, ये जो न्यूरोप्लास्टिक सेल्स होती हैं ये हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर और उनके बायोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में जानकारी देने में हेल्पफुल होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर में कैसे हेल्पफुल हो सकती है, कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जिसमें एक ही तरह की सेल्स कंटेंट पाया जाता है कि सिर्फ एपिथीलियम है, कुछ के अंदर सिर्फ मेसेनकाइमल है, कुछ के अंदर एपिथीलियम मेसेनकाइमल दोनों टाइप के हैं, तो हम कहेंगे कि मिक्स्ड ट्यूमर है। तो बेसिकली जो ट्यूमर सेल्स होंगी वो हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर में हेल्प करेंगी कि सिंपल ट्यूमर है, एक ही टाइप की सेल्स से मिलकर बना हुआ है, या मिक्स्ड ट्यूमर है, इसमें एपिथीलियम मेसेनकाइमल ब्लास्टिमल हर तरह का कंपोनेंट है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ट्यूमर में हेल्प करेगा। दूसरा, जो ये रिएक्टिव स्ट्रोमा होता है, मैंने आपको बताया ये एज अ होस्ट रेस्पॉन्स जनरेट होता है अगेंस्ट द ट्यूमर सेल्स, और इसके अंदर क्या क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड सेल्स होती हैं, और क्या होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं। जो ये रिएक्टिव स्ट्रोमा होता है ये बेसिकली क्या करता है, डिफाइन करता है द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ ट्यूमर। सो द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ द ट्यूमर इज क्रिटिकली डिपेंड अपॉन दिस रिएक्टिव स्ट्रोमा। मैंने आपको यहां बताया कि जो आपको टीटी दिख रही है ये क्या है, ट्यूमर सेल्स है और न्यूप्लास्टिक सेल्स है, इसके सराउंडिंग में जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है, रिएक्टिव स्ट्रोमा है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड सेल्स एंड इम्यून सेल्स। अब जो ये फाइब्रस स्ट्रोमा है और रिएक्टिव स्ट्रोमा है, क्लिनिकली जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम इसको क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। ठीक है, अगर हमको जो
फाइब्रोस्ट्रोमा है, जो हमने उस पर्सन का ट्यूमर जो है उसको क्लीन के लिए एग्जामिन किया पाल्पेशन के थ्रू, तो हम अगर देखते हैं कि उसके अंदर जो रिएक्टिव स्ट्रोमा है वो कैसा है, स्केंटी है, यानी लेस अमाउंट में है, सॉफ्ट है और फ्लैसी है ऑन पाल्पेशन, तो हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि प्रोबेबली इट इज अ बेनाइन ट्यूमर। लेकिन अगर अबंडेंट अमाउंट में मान लीजिए प्रेजेंट है कोलेजिनस टिश्यू, जिसको हम डेस्मोप्लेसिया बोलते हैं, तो अगर अबंडेंट अमाउंट में उसके अंदर फाइब्रस रिएक्टिव स्ट्रोमा एज अ कोलेजिनस टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको हम डेस्मोप्लेसिया बोलते हैं, तो जो आपका जो ट्यूमर होगा उसमें हार्ड कंसिस्टेंसी होगी, जब आप पाल्पेशन करेंगे क्लिनिकली तो उसमें हार्ड कंसिस्टेंसी होगी, और आप उससे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो ट्यूमर रहा होगा वो किस टाइप का है, मैलिग्नेंट टाइप का ट्यूमर है प्रोबेबली। ठीक है, ट्यूमर जितना ज्यादा एग्रेसिव होगा उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा, डेस्मोप्लेसिया होगा, मोर द डेस्मोप्लेसिया मोर द एग्रेसिव इज द ट्यूमर, एंड हार्ड विल बी द कंसिस्टेंसी ऑफ ट्यूमर, जब आप उसको पाल्पेट करोगे तो वो ट्यूमर जो है आपको बहुत हार्ड लगेगा। सबसे ज्यादा जो डेस्मोप्लेसिया हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है इन द कोलेंजियोकार्सिनोमा, यानी कैंसर ऑफ बाइल डक्ट, एंड इन द केस ऑफ पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, ये दो केसेस हैं जिसमें हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेस्मोप्लेसिया देखने को मिलता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूप्लेसिया, न्यूप्लाज्म और ट्यूमर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूप्लेसिया, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूप्लाज्म और ट्यूमर, यानी हम जानेंगे कि ट्यूमर जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली ट्यूमर चार तरह के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर, मेलेग्नेंट ट्यूमर, टेरेटोमा एंड मिक्स ट्यूमर। इसमें बेनाइन एंड मेलेग्नेंट मोस्ट कॉमन है, उसके बाद टेरेटोमा एंड मिक्स ट्यूमर। सो ये वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।